दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे बिहारी स्टाइल में तीखी और चटपटी लाल मिर्च का अचार। इस अचार को आप पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अचार बनाना। तो अचार बनाने के लिए हम लेंगे मिर्च। मैंने यहाँ पर 1.5 kg लाल मिर्च लिया है। आप देख सकते हैं मिर्च का साइज़ इतना ही बड़ा मिर्च लेना है हमें। और सारे मिर्च को एक एक करके इस तरह सूखे कपड़े से, साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछकर साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी हो, जो भी डस्ट हो, वो सारा साफ़ हो जाए। इसी तरह से सारे मिर्च को पोंछकर साफ़ कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे धो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे धोएंगे तो एक दिन का टाइम और जाएगा इसे सुखाने में, इसलिए मैं इसे साफ़ कर कपड़े से बना रही हूँ। अब इसे इस तरह से हम बीच से कट कर लेंगे 2 हिस्सों में। आप अगर चाहें तो इसे 4 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर के हिस्से को इस तरह से हटा देंगे और इसके अंदर जितना भी बीज है उसे हम इस तरह से चाकू को घुमाते हुए इस तरह से इसके अंदर का सारा बीज निकाल लेंगे और इसे हम खाली कर देंगे। और इसी तरह से दोनों हिस्सों में से बीज को निकाल कर खाली कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे बिना कट किए भी बना सकते हैं, साबुत मिर्च का अचार भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से इसके अंदर मसाला भरने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। बहुत आसानी से इसके अंदर हम मसाला भर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे बीज से कट कर लिया है। सारे मिर्च में से इसी तरह बीज निकाल कर और इसे हम खाली कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम बीज को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में डालकर छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद इस तरह से बीज को हम अलग करेंगे और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा, जो भी आप देख सकते हैं मटेरियल है, उसे हम निकाल कर अलग कर देंगे। सिर्फ बीज को इसमें हम रहने देंगे। इस तरह से सारे बीज को अलग कर लेंगे और अब हम मसाला तैयार करेंगे अचार के लिए। तो कढ़ाई में हम 400 ग्राम राई लेंगे, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। 2 कप राई लिया है मैंने, ये 400 ग्राम राई है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। जब राई चटकने की आवाज़ इस तरह से आने लगे तब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम मेथी का दाना और मेथी के दाने को इसमें डालकर इसे भी हम साथ में रोस्ट कर लेंगे। मेथी के दाने के साथ इसे हम 2 मिनट और रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे रोस्ट करना है। और अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम सौंफ और सौंफ डालकर उसे भी हम इसके साथ 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मसाले को रोस्ट करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। सारे मसाले को ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इस पाउडर को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम और मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप आमचूर पाउडर, ये 300 ग्राम आमचूर पाउडर है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच अजवाइन। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। 2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये जो बीज हमने अलग किया था इसे भी हम इस मसाले में डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले में बाइंडिंग के लिए अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो हम इसमें 1 कप सरसों का तेल डालेंगे। अब तेल और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अगर मसाला ड्राई लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और डालेंगे, बाइंडिंग अच्छे से हो इसलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाला अभी ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और डालेंगे। तो 1/2 कप सरसों का तेल हम इसमें और डाल देंगे। इस पूरे मसाले को तैयार करने में 300 ग्राम सरसों का तेल लगा है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाला अब अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे मिर्च के अंदर भरेंगे। मसाला भरने से पहले अपने हाथों को ग्लव से अच्छी तरह से कवर कर ले ताकि जब आप मसाला मिर्च के अंदर भरें तो आपके हाथ मसालों से जले नहीं। तो इस तरह से मिर्च लेंगे और इस तरह चम्मच से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे और हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे। मसाले को अंदर हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए।
दोनों साइड से इस तरह से मसाला भरकर और दोनों साइड से इसे हम अच्छी तरह हाथों से प्रेस करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अब हम सारे मिर्च के अंदर मसाले को भर देंगे हाथों से। इस तरह से इसे हम मसाले को अंदर इस तरह से प्रेस करेंगे कि मसाला अंदर अच्छे तक बैठ जाए। और इसी तरह से सारे मिर्च के अंदर मसाला भरकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, मसाला भरते वक्त अपने हाथों को ग्लव्स से कवर जरूर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे मिर्च के अंदर मसाला भरकर तैयार है और अब हम इसे एक दिन के लिए धूप में डालकर छोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक दिन हो चुका है और अब हम अचार में तेल डालेंगे। तो अचार में हमें तेल डायरेक्ट नहीं डालना है, तेल डालने से पहले हम तेल को गर्म कर लेंगे। तो कढ़ाई में डालकर तेल को गर्म कर लेंगे। मैंने आधा लीटर सरसों का तेल लिया है। जब तेल से इस तरह आप देख सकते हैं कि जब धुआं निकलने लगे, तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और अब हम एक एक करके सारे अचार को तेल में डाल देंगे ताकि मसाला तेल को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अच्छी तरह से डिप कर देंगे अचार को तेल में। और अब हम एक एयर टाइट जार लेंगे, शीशे का जार लेना है हमें। जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक करके सारे अचार को इस जार में डाल देंगे। दोस्तों, इस अचार को सर्दियों के मौसम में ही बनाया जाता है क्योंकि ये मिर्च सर्दियों के मौसम में ही मिलता है, गर्मियों में ये मिर्च नहीं मिलता है। सारे अचार को इस तरह जार में डाल देंगे और जो भी तेल है उसे हम इसमें हम डाल देंगे। और अब हम इसके मुंह को कवर कर देंगे कॉटन के कपड़े से। और अब हम इसके ऊपर रबड़ लगा देंगे, रबड़ लगा कर इसके मुँह को पैक कर देंगे। आप अगर चाहें तो किसी कपड़े के पतले फीते से भी इसके मुँह को बांध सकते हैं। और 10 से 15 दिनों के लिए इसे हम धूप में डालकर छोड़ देंगे। 10 से 15 दिनों के बाद ये अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार लाल मिर्च का अचार मेरे तरीके से बना कर देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत आसान लगेगी। तो लीजिए दोस्तों, तीखी चटपटी लाल मिर्च का अचार बनकर तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।